आज मैं आपको एक बेबी बेडशीट डिज़ाइन दिखाऊंगी और कटिंग के साथ स्टिचिंग भी बताऊंगी। यहाँ पे मैं 4 कलर के कपड़े से ये डिज़ाइन बना रही हूँ। ये कलर के कपड़े को एक स्क्वायर शेप कट कर देना है। मैं यहाँ पे 6 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई ली हूँ, इस तरह कट कर देना है। और फिर उसे ही हाफ कर देना है, ट्रायंगल टाइप पे हो जाएगा वो। ये सब कलर के कपड़े को मैंने कट कर दिया। ये 8 पीस है और ये 5 पीस और ये 8 पीस, ये भी 8 पीस और ये भी 8 पीस है। अभी हाफ कटिंग वाले को एक दूसरे के साथ स्टिचिंग करना है। ये दोनों को स्टिचिंग करना है, ऐसा 4 पीस होना चाहिए। और फिर ये दोनों कलर को भी एक साथ स्टिचिंग करना है, ऐसा भी 4 पीस होना चाहिए। और ये दोनों कलर को भी एक साथ करना है, ऐसा भी 4 पीस। ये सबको मैंने एक साथ स्टिचिंग कर दिया, सबका 4-4 पीस मैं बना दी हूँ। ये इस कलर का भी 4 पीस हो गया। और ये दोनों को भी मैंने 4 पीस को एक साथ कर दिया है। अब इसमें ये मेन डिज़ाइन है, इसे आप ध्यान से देखिए, इसे इस टाइप से रख कर और इसे इस टाइप से रखना है। और फिर इसको फिर सिलाई कर देना, ये दोनों को एक साथ करना है और फिर ये दोनों को एक साथ करना है। और जब वो हो जाए तो फिर इस दोनों को एक साथ कर देना है। ये देखिए, ये मैंने कर दिया है। ऐसे ही आपको सेम प्रोसेस से 4 पीस बना लेना है इसका भी, ये ऐसे। और फिर 2 पीस को एक साथ करना है, उसके बीच में 2 एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर। ये दोनों ये ऐसे रखना है इसको, और फिर इसको यहाँ पे रख कर पहले ये दोनों को सिलाई कर देना है। ये देखिए, मैंने सिलाई कर दिया ये दोनों को एक साथ। और अब फिर इसको इधर से यहाँ पे रख कर और फिर ये सब इसे ऐसे रख के और फिर ये तीनों को एक साथ कर देना है। इसमें पहले यहाँ से यहाँ तक सिलाई करना है और फिर यहाँ से यहाँ तक इसे तीनों को एक साथ कर देना है। ये देखिए, जैसे कि मैंने कर दिया तीनों को एक साथ सेम ऐसे ही, हमें एक और बना लेना है। ये मैं यहाँ पे 2 पीस बना ली हूँ। और अब इसके बीच का एक लाइन और आपको बनाना है, वो इस तरह से आपको ये सब कपड़ा रखना है और सबको एक साथ ऐड कर देना है। ये सबको 1 by 1 करके एक साथ सिलाई कर देना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह। और फिर तीनों को एक साथ कर देना, एक और जो है उसे नीचे रखना है। पहले ये दोनों को सिलाई कर देंगे और फिर उसमें ही फिर वो वाले को भी सिल देंगे बिल्कुल इस तरह से। ये देखें गाइज, ये मेरा बेडशीट डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।